हेलो एवरीबॉडी टुडे वी विल रीड चैप्टर सिक्सटीन एंड इट इज़ द लायन एंड द जैकाल आज हम चैप्टर सिक्सटीन पढ़ेंगे और जिसका नाम है द लायन एंड द जैकाल मतलब शेर और लोमड़ी की कहानी हम पढ़ेंगे सो so चलिए हम पढ़ते हैं पढ़ते हैं पहले हम बी रेडी पढ़ेंगे सो स्टार्ट रीडिंग दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ लायन एंड अ कनिंग जैकाल ये स्टोरी जो है एक शेर और एक चलाक लोमड़ी की है द जैकाल इज सो कनिंग दैट ही अगेन ब्रिंग्स अ बोर टू द लायन इवन आफ्टर ही स्केप्स अ लिटिल वाइल अगो तो जैकाल जो है इतनी चलाक होती है कि वो वापस से पिग को बोर मीन्स यहाँ पिग है पि, बोर का मतलब पिग पिग को लॉयन के पास वापस लेके आती है जो लॉयन के चुंगों से थोड़ी देर पहले बच के भाग निकलती है वो इतनी चलांक है कि वो उस लो उस पिग को वापस से लायन के पास ले कर आ जाती है देन ही चीट्स द लायन एंड ईट्स बोर्ड ब्रेन और उसके बाद वो लायन के साथ भी धोखा करती है और वो जो पिग थी उसकी ब्रेन खा लेती है तो चलिए हम स्टोरी पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं एन ओल्ड लायन इज़ लाइंग इन अ रॉक केव और जैकाल कोज देअर एन सेज एक पुरानी सी गुफा में पत्थरों की जो गुफा थी उसमें शेर जो है बूढ़ा शेर बैठा हुआ था तभी लोमड़ी उसके पास जाती है और बोलती है जैकाल वाई ओ लॉर्ड आर यू लाइंग डाउन फॉर हैज़ सम एलमेंट बी फॉल इन योर मेजेस्टी आर यू नॉट गोइंग टू हंड टूडे यहाँ एलमेंट मीन्स होता है बीमारी तो जो ये चलाक लोमड़ी है वो भगवान वो, वो वो शेर से कहती है कि महाराज आप ऐसे क्यों बैठे हैं क्या आपको कोई बीमारी है आज आप शिकार पे नहीं जाएंगे लाइन माई फ्रेंड जयकाल A headache having afflicted me today. I am in a very serious state. From this time onward, having hunted and eaten only a small amount of the brains of the animals, I will give you all the rest of the flesh. Do you subsist on it for the reason that I am not well enough to go to hunt this day? You and I both of us must remain hungry. Are you unable to go hunting this day only? तो शेर कहता है हाँ मेरे दोस्त मुझे थोड़ा सा फ़ीवर है और मैं काफ़ी गंभीर हालत में हूँ और आज मैं शिकार पर नहीं जा पाऊँगा और मैं आज के आज मैं आज के बाद आगे अब मैं बहुत ही कम मांस खाया करूँगा और ज़्यादातर सिर्फ़ इन जानवरों के दिमाग ही मैं खाऊंगा और बाकी जो मांस बचे होंगे मैं वो तुमको दे दूंगा डू यू सबसे ए तो फिर वो कहता है क्या तो क्या तुम इस बात मेरी इस बात से अग्री करती हो कि सिर्फ मांस मैं खा सिर्फ उसका ब्रेन मैं खाऊंगा बाकी मांस जो होगा वो तुम खा लेना फॉर द रीज़न दैट आई not well enough to go to hunt हंड day you and I both of us must remain hungry और जिस कारणवश मतलब मैं बीमार हूँ और मैं इस वजह से मतलब शिकार पे नहीं जा पा रहा हूँ तो मैं और तुम दोनों भूखे रहेंगे तो क्या तुम अकेली आज के दिन शिकार पे नहीं जा सकती जयकाल ओ oh लॉर्ड

आई लायन आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ flesh. फ्रेश I फ्लैश and आई at एंड स्प्रेंग एट I couldn't कैच वन तो लायन कहता है कि मैं सोच रहा हूँ मुझे कोई ताज़ा पिग का मांस मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि आजकल मैं जब उनके पीछे दौड़ता हूँ और उनके ऊपर छलांग लगाता हूँ उनको पकड़ने के लिए तो मैं उनको पकड़ नहीं पाता जिकाल इफ़ इट कम्स नियर दिस केव कान्टू सीज इट सर तो लोमड़ी कहती है कि महाराज अगर वो इस आ, गुफा के पास आ जाए तो क्या आप उसको पकड़ लेंगे लाइन इन दैट वे आई कैन स्टिल डू इट हाँ अगर ऐसा हो तो मैं ज़रूर कर लूँगा बट विल बोर कम नियर मी फिर वो कहता है कि क्या सच में कोई पिग मेरे पास आएगा फिर वो कहता है द थिंग यू आर सेइंग वुड बी वंडर जो चीज़ तुम कह रही हो मुझे लगता है वो तो कमा आ, मुझे लगता है वो तो एक ऐसी बात है कि जो हो ही नहीं सकती कोई पिग मेरे पास आना ही नहीं चाहेगा चेकाल सम हाउ अर अदर आई विल ब्रिंग अ बोर तो कहता है किसी भी कारण से मैं पिग को आपके पास लेके आ जाऊँगी द चेकाल वॉक्स अबाउट इन जंगल ही सीज अ बोर ही टू हिम अब जयकाल माँ से जाती है और पूरे जंगल में वो घूमता है लास्ट में उसको एक पिग दिखता है तो वो उसके पास चला जाता है जकाल हाउ मेनी डेज हैव आई नाउ बीन सिकिंग यू यू शुड वाई शुड आई बी ऑफ असिस्टेंस टू यू तो कहती है मैं कब से तुम्हारा कई दिनों से तुमको ढूंढ रहा हूँ तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं है कहता है, मैं तुम्हारा कोई असिस्टेंट थोड़ी ना हो जब देख मैं तो कई दिनों से तुमको ढूंढ रहा हूँ बोल वाई इज़ देयर सो मच नीड ऑफ इट बाय मी यू विल नॉट बी ऑफ एनी असिस्टेंस टू मी तो उसने कहा अरे मेरी क्या जरूरत आन पड़ी तुमको तुम तो मेरे मुझे ऐसे असिस्टेंट की ज़रूरत भी नहीं है जकाल आर किंग इज़ देयर लाइंग नाउ बिकम ओल्ड इज़ इट ट्रू और नॉट दैट आई हैज़ ही टोल्ड मी टू सीक अ पर्सन टू गिव दानिटी टू आई हैव बीन गोइंग अबाउट सीकिंग यू इफ़ आई नॉट आई एम टेल इफ़ नॉट आई मई टेलिंग लाइस कम अलॉन्ग एन गो देयर विद मी तो जयकाल कहता है अरे हम हमारे राजा जो हैं वो गुफा में पढ़े हुए हैं और वह काफ़ी बूढ़े हो गए हैं और और उन्होंने मुझसे कहा था कि किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जिसको मैं अपना राज दे सकूं और मैं कई दिनों से तुमको ढूंढ रहा हूं लेकिन तुम मुझे मिल ही नहीं रहे हो अगर तुमको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम मेरे साथ चलो और देख लो द जे गोज़ नियर द लाइन विद द बोर्स एंड सेज तो अब जो है जे लोमड़ी जो लोमड़ी जो था वो उस अ, अ, पिग को लेके शेर की गुफा के पास पहुंचा जयकाल नाउ देन हैविंग गॉन नियर द किंग एंड मेड ओ बी सेंस टेक द सोवरेनिटी तो जयकाल ने कहा ऐसा है तुम राजा के पास जाओ और जाके उनका राजपाट ले लो एज द बोर वॉज अप्रोचिंग इन ग्रेट फियर द लैंड प्रैंग एट हिम आफ्टर ही हैड सीज्ड द बोर पुशिंग ऑफ इस पॉज बाउंडेड अवे तो जैसे ही धीरे धीरे डर डर के जो पिग है वो राजा शेर के पास जाती है तो तभी सामने से शेर आता है उसके ऊपर कूद जाता है और उसको उसके पैर पकड़ के इधर उधर उछालता है और उसको मार डालता है जैकाल डिड थंडर स्ट्राइक यू सर वाई डेंट यू होल्ड द बोल तो जयकाल कहता है अरे महाराज आप उसको अपना जो आपका थंडर बोल्ट जो आपका खास आ, आ, वार है आप उस पर वो मारिए लाइन डिड आई फेल आर यू सेंग इट्स फॉल्सली तो लाइन कहता है अरे क्या मैं फेल हो गया मैंने गलत गलत तरीके से किया है वैन विल सच अ बोर कम नियर मी अगेन तो लाइन कहता है तो अब मेरे पास दोबारा ऐसा पिक कब आएगा एज द लाइन वॉज सॉरफुल दट जकाल से अब जो है वो पिक जो है उस अपनी चु, उसकी चुंगू से भाग गई तो जकाल जो है काफ़ी गुस्से में आ गया तो बोला आर यू मैट सर दैट यू डाउट माई पावर्स नाउ तो उसने कहा अरे महाराज आप मेरी ताकत पे शक कर रहे हैं मैं ऐसा पिक ज़रूर फिर से लेके आऊँगा द जकाल हैविंग गॉन ऑन द पाथ ऑन विच द वो बोर वेंट एंड हैविंग सीन द बोर सेज तो जकाल फिर उसी तरफ जाता है जिस तरी तरफ वो पिग भागकर गया रहता है और फिर वो उसको दिखता है तो उसके पास जाता है और बोलता है व्हाट इज द मैटर विथ यू डिड अ थंडर स्ट्राइक यू दैट यू रैन अवे तो जयाल कहता है अरे तुमको क्या हो गया तुमको कुछ झटका लग गया क्या जो तुम भाग आए बोर वाई डिड आई कम अवे फॉर ट्रूली आई वॉज रनिंग अवे इफ़ आई हैड स्टेड देयर इट वुड बी सीन वाई तो कहता अरे मैं क्यों ना भागता मैंने तो सच में भागा था अगर मैं वहाँ पे रहता तो मैं ज़रूर मारा जाता जकाल इफ़ यू हैड स्टॉप ही वुड एन डीट यू आर यू अ पर्सन अफ्रेड टू हैव द सोवरेनिटी बेस्ट ऑन यू तो जकाल कहता है कि अरे तुम अगर रुके रहते तो वो तुमको थोड़ी ना खाते क्या तुम कोई इंसान हो जो तुम डर रहे हो अच्छा खासा वो तुमको अपनी ताकत दे रहे हैं वट वॉज इट एक्सेप्ट दैट ही मेयरली लुकड एट यू ही डिड नॉट अटेम्प्ट टू ईट यू तो उसने कहा अरे क्या हो गया वो तो सिर्फ तुमको देख ही तो रहे थे उन्होंने तुमको कुछ किया तो नहीं था उन्होंने तो तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं है नो डिड ही अटेम्प्ट क्राइम ऑफ इटिंग यू ना उन्होंने तुम्हारे ऊपर कोई हमला हमला बोला था वो तो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे एट लास्ट द बोर अग्रीज टू रिटर्न टू द लाइन आफ्टर वर्ड वेन देंट नियर द लाइन टूगेदर द जयाल सेज़ तो लास्ट में बोर मान पिग मान गया फिर वो वापस से शेर के पास आए तो जब वो शेर के पास आए तो जयकाल ने बोला फ्रेंड गो विद फियर गो विदाउट फियर एंड टेल हिम टू हैंड ओवर द सोवरानिटी। तो जयकाल ने कहा कि दोस्त तुम उनके पास जाओ और बिना डरे जाना और उनसे कहना कि महाराज आप अपना राजपाट अब मुझे दे दें द बोर वेंट नियर द लायन द लाइन विद ग्रेट फोर्स ऑन द नेक ऑफ द बोर एंड ब्रोक द नेक तो जैसे ही पिग उसके पास जा शेर के पास जाती है शेर उसके ऊपर हमला बोलता है उसके गर्दन पे और उसका गर्दन तोड़ देता है हैविंग हैविंग ब्रोकन द बोन ऑफ द हेड एज ही वॉज गोइंग टू ईट ब्रेन द जकाल सेज तो जब उसकी गर्दन की हड्डियाँ टूट जाती हैं तो जकाल उसको खाने जाता है लोमड़ी सॉरी लायन उसको खाने जाता है तो पीछे से लोमड़ी बोलती है महाराज रुकिए तो शेर बोलता है क्यों क्या हुआ तो जयकाल बोलता है दो यू सर एक्सरसाइज सोवरेनिटी और विजडम इज़ लेस देन आर्स तो कहता है, महाराज आप भले ही महाराज हैं और आपकी जो आपका जो सम्मान है हमारे से कम है किंग ईट एंड ड्रिंक इन दैट तो क्या राजा जो है ऐसी हालत में खाना खाते हैं और पीते हैं देखिए ब्लड हैज़ फॉलन ऑन योर बॉडी सर देखिए आपके पूरे शरीर पे खून लगा हुआ है गो टू द रिवर नदी के पास जाइए टेकाबाद वहाँ नहाइए और ड्राई और बॉडी देर अपना पूरा शरीर वहाँ सुखा के देन हैविंग रिटर्न बी गुड इनफ टू ई ईट सिटिंग डाउन और जब वहाँ से वापस आइएगा तब आराम से बैठ के खाइएगा द लाइन गोज टू द रिवर टू बा लाइन जो है नदी के पास जाता है नहाने के लिए आफ्टर ही हैड caused हिम टू गो द जैकाल एट द बोर्स ब्रेन एंड remained there साइलेंटली तो शेर को भेज भेजने के बाद जैकाल जो है वो पिग की सारी की सारे ब्रेन खा लेता है और वहीं चुपचाप खड़ा हो जाता है द लाइन कम्स बैक एंड द स्कल इन हिस्पॉ तो लाइन जब वापस आता है तो पिग का सर अपने पैरों पे दबाता है he seeks for the brain in order to eat it but finds no brain there तो फिर वो इधर उधर उसका सर पकड़ के दिमाग ढूंढता है लेकिन वहाँ पे कोई भी उसको ब्रेन नहीं मिलता है लाइन देयर इज़ नो ब्रेन तो वो बोलता है कह रहे यहाँ तो कोई ब्रेन ही नहीं है तो जगार बोलता है सर डोंट यू नो सो मच सर आपको इतना भी नहीं पता कि कोई इंसान अगर बच के भाग भाग जाए और तो क्या वो दोबारा आएगा मरने के लिए अगर उसके पास दिमाग होगा तो वो दोबारा आएगा अगर एक इंसान अपनी जान बचा के भाग जाए तो वो वापस तो आएगा नहीं और जो आएगा वो तो बेवकूफ़ कहलाएगा तो ये तो बेवकूफ़ था कि वापस आ गया और इसके पास तो कोई दिमाग ही नहीं था तभी तो ये वापस आया वरना ये कभी भी वापस नहीं आता अपनी जान गंवाने तो उसने दैट वन हैज़ नो तो उसने कहा कि इसके पास कोई ब्रेन था ही नहीं इसलिए तो ये वापस आया ये आपकी कहानी थी आई होप आप सबको समझ आई होगी थैंक यू एवरीवन